बंगाल की राजनीति से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है। पार्थ चटर्जी की जगह नए उद्योग मंत्री के नाम का फैसला हो सकता है। ममता मंत्रिमंडल में बड़े पैमाने पर फेरबदल भी संभव है। ममता सरकार में कई नए मंत्री शामिल हो सकते हैं और आरोपों में घिरे कुछ और मंत्री भी हटाए जा सकते हैं। मनोज्ञा लोहिवाल लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, इसी खबर पर बात करेंगे मनोज्ञा से भी। मनोज्ञा, जिस तरीके का जिक्र आप कर रही थी, ममता बनर्जी अपने सरकार में अपने मंत्रिमंडल के अंदर एक ओवरऑयलिंग की तैयारी कर रही हैं। देखिए, ओवरहॉलिंग से ज़्यादा इसमें अगर मैं ये कहूँ कि डेंटिंग और पेंटिंग हो रही है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस समय जिस तरह से गड्ढे और जो चीज़ें और जो छींटा कशी हो गई है और जो तस्वीर में काले दाग और धब्बे आ गए हैं, उनको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। हालांकि पार्टी की ओर से और टीएमसी सुप्रीमो की ओर से कह दिया गया है कि न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और जो भी फैसला होगा उसी तरह मान्य रखा जाएगा, लेकिन तब तक उनको पद और कद दोनों से दूर रखा जाएगा। तो अब इन सारे जो आज असेंबली से भी उनके नेम प्लेट को हटा दिया गया, कल उनके पार्थ चटर्जी के दफ्तर से, सरकारी दफ्तर से जो नवान्नों में है वहां से हटा दिया गया, और आप उनके कदर पद का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ठीक दाईं वाली सीट पे पार्थ चटर्जी ही बैठते रहे हैं हमेशा। न सिर्फ उनका 30-40 वर्षों का जो राजनीतिक सफर है उसमें उन्होंने ममता बनर्जी का साथ दिया है, बल्कि ये भी अब कहना पह पाना मुश्किल होगा सबके लिए या विश्वास करना मुश्किल होगा कि ये जो सारी गतिविधियां पिछले एक दशक में हुई हैं इनके बारे में टीएमसी सुप्रीमो को बिल्कुल भी नहीं पता था। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ उसी आधार पर आ सकता है कि क्या ये जानकारी में था या फिर इसको नजरअंदाज किया जा रहा था। जी, आप बनी रहे हमारे साथ मनोज्ञा, लगातार आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल के शिक्षक घोटाले की, जिसके अंदर घूस की रकम का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और साथ ही बरामदगी का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी आवास से गिरफ्तारी के बाद से 4 कारें गायब हो गई हैं। इनमें से 2 कारें अर्पिता मुखर्जी के नाम हैं, तो वहीं ईडी गाड़ियों की तलाश में जुट गई है। देखिए मनोज्ञा लोहिवाल की ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल लाने वाले एसएससी स्कैम में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी के बाद अब लगातार पूछताछ का दौर जारी है। पहले मेडिकल टेस्ट होंगे आज, और उसके बाद कल जो पूछताछ हुई थी उसके आधार पर आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट दोबारा रेड्स कंडक्ट करेगी। सूत्रों के माने तो आज जिला स्तर पर जा सकती हैं ये रेड्स, क्योंकि अभी तक जितनी भी रेड्स हुई हैं वो कोलकाता और आसपास के शहर में हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि दक्षिण कोलकाता में जब ईडी रेड कर रही थी घर पर अर्पिता मुखर्जी के, वहाँ पर 4 गाड़ियाँ भी थी, लेकिन अब वो 4 गाड़ियाँ पिछले 24 घंटे से नदारद हैं। ऐसे में सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और उन गाड़ियों की कीमत करीब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए है, यानी कि एक मर्सिडीज है, एक ऑडी है, 2 होंडा हैं, यानी कि एक होंडा मेज, एक होंडा सिटी, और इन सारे मॉडल्स की कीमत जितनी होती है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि कागजात के तौर पर जो देखा गया है उसमें कई जगह पर उनका जो टैक्स है या फिर बाकी सारी जो डिपॉजिट्स होते हैं एक गाड़ी के लिए वो पूरे नहीं किए गए हैं, यानी कि इंश्योरेंस तक पूरा नहीं है। हालांकि आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हो सकता है बाकी लोगों से भी पूछताछ हो। उनकी टीम में और उनके साथ जो लोग काम करते रहे हैं उनको बुलाया गया है। हालांकि कल तबीयत खराब होने के कारण सुकांतो आचार्य, उनके पीएस, ने कहा था कि वो नहीं आ पाएंगे और आज फिर यही पूछताछ का दौर जारी रहेगा। लेकिन अब नजर उन शेल कंपनीज पर और उन रियल इस्टेट के कागजों पर हैं जो लगातार इन सारे घरों से बरामद हुए हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहिवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। और मातृभूमि में इसी खबर पर आगे बात करते हैं मनोज्ञा से। मनोज्ञा, चोरी के पैसे में भी जो है हेरा फेरी हो गई। दरअसल कारें गायब हो गई अर्पिता मुखर्जी के घर से, ये क्या मामला है पूरा? जी, और दिलचस्प बात यह है कि ये ज़िला में हुई है जहाँ पर कुछ ही दूर पर पार्थ चटर्जी का घर माना जाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि दक्षिण 24 परगना में उनके घर से चोरी हो जाने के बाद पहले तो लोगों को ये लगा कि ईडी की टीम ही आई है, लेकिन जब बाद में पता लगा कि ये तो चोरी हो गई है और घर में घुसकर लोगों ने ताला तोड़कर सामान निकाल लिया है, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये सिर्फ एक फ्लैट है जिस पर सवाल उठ रहे हैं या फिर कई लोगों को पता है कि आखिरकार ये प्रॉपर्टीज़ हैं कहाँ कहाँ पर, जिसकी वजह से अब वहाँ पर चोरी हो रही है और उस पर अब साहूकारी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर प्रॉपर्टी ही चोरी की बताई जा रही है जहां से चोरी हो रही है। वाकया भले ही हास्यास्पद हो, लेकिन मामला सीरियस इसलिए हो जाता है क्योंकि